हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नए से वीडियो में फिर से जॉन कार्टर के साथ में। आज देखिए आए हैं तांबड़ी सुला। तांबड़ी सुला एक महादेव का बहुत प्राचीन पुराना बोलिए मंदिर है, और यहाँ पे हम आए हैं थोड़ी देर पहले। अभी तो उधर घूम रहे थे हम लोग, लेकिन अब चलते हैं मंदिर की ओर। देखिए आपको ले चलते हैं। ये गेट हो गया मेन, यहाँ से इन करते हैं। तो अब चलिए अंदर चलते हैं। ये मंदिर है बहुत पुराना, 1300 साल पुराना मंदिर है ये। और हमारे साथ एक साथी भी मिल गए हैं, जोड़िए। क्या नाम है आपको? नितिन। नितिन, कहाँ से आप आए हैं? महाराष्ट्र से, कराड़। महाराष्ट्र से? सतारा। सतारा से। तो इनसे मुलाकात हुआ, ये भी आए हैं घूमने के लिए। तो चलिए अब जरा घूमते हैं साथ में हम लोग, है ना? ठीक है, चलिए। और देखिए मंदिर में यहाँ सुंदरता क्या है, बस छोटा सा मंदिर है, लेकिन यहाँ बहुत संख्या आने को लिए बहुत भीड़ काफ़ी है, यहाँ रहता है हमेशा। आज संडे है तो थोड़ा सा कम भीड़ है, लेकिन पता किए हैं कि मंडे से काफ़ी थोड़ा सा भीड़ रहता है। और बगल में एक छोटा सा नदी भी बह रहा, आपको हम आगे जाके बताते हैं। छोटा सा नदी है, बहुत साफ नदी है, पानी एकदम क्लीन जा रहा है। और अभी धूप कर दिया, बहुत थोड़ा जोर वाला धूप कर दिया है। देखिए चलिए आपको नदी ले चलते हैं। देखिए गेट बंद है, ये देखिए बहुत तेजी से चल रहा है, छोटा सा नदी है। आपको और ले चलते हैं मंदिर की ओर ले चलते हैं। अब ये मेन गेट हो गया। महादेव पूजा कर रहे हैं, ये भी थोड़ी देर पहले पूजा करके निकले हैं यहाँ से। और बाकी यहाँ के सुंदरता देखिए क्या है, किस तरीके से पत्थर को काट के बनाया गया है। हमारे साथ और हैं, आए हुए हैं। देखिए ये अंदर का था, अंदर भी नहीं जाना है, अब बाहर का भी चलते हैं। ये बाहर का है, बहुत पुराना मंदिर है। गोवा के एकमात्र महादेव का मंदिर ही बचा है। बहुत पुर्तगाली और लोग बहुत बहुत पहले लड़ाई चल रहा था, तो सारे मंदिर तोड़ दिया गया और बाकी ये गोवा के एकांत में रह गया ये मंदिर, इसलिए इसका टूटा नहीं। ये लगभग 1300 साल पुराना मंदिर है और सभी लोग आते हैं यहाँ घूमने। को एक राउंड लगा दिए हैं। ये बीच बीचों बीच बोलिए कि एकदम अंदर में है, मोलेम से मोलेम के अंतर्गत ये आता है पूरा एरिया, और उसी के अंतर्गत ये आता है। देखिए कितना पुराना मंदिर है, आप देख सकते हैं ये अभी तक बचा हुआ है। और यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं, एक और मंदिर के पास हम लोग जाना था, लेकिन अभी वहाँ नहीं जाएंगे, शायद शाम हो जाएगा, लेट हो जाएगा। तो हम लोग अभी इधर ही थोड़ा सा घूमते हैं। ये हम लोग लगता है 2 बजे के 2:30 बजे के आसपास में पहुंच गए थे। आज संडे की वजह से थोड़ा सा कम ही भीड़ है यहाँ पे। और यहाँ पे एक झरना भी है यहाँ पे बगल में, झरना पे हम लोग अभी जस्ट यहाँ से निकलेंगे तो जाएंगे। और बगल में यहाँ से 25-30 किलोमीटर दूर पर दूध सागर फॉल है, यहीं से
जाते हैं लोग। तो दूध सागर तो अभी हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन एक बगल में ही दूध सागर जैसा ही एक झरना है, बहुत ही लाजवाब, फंटास्टिक बोल सकते हैं। वहाँ सभी लोग, अभी बहुत सा भीड़ लगा हुआ था आते समय, हम लोग देखे थे। तो एक वहाँ हम जाएंगे तो वीडियो बनाएंगे। अभी हम लोग यहाँ रुकेंगे, इसलिए रुकेंगे कि अभी हम एक और पूजा अंदर कर रहे हैं, तो रुकेंगे हम लोग। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में जॉन कॉटर के साथ और महादेव के साथ में। यहाँ टांडव हो गया खूब, बहुत ही अच्छा फीलिंग हुआ है आने पर, बहुत मज़ा आया। क्या शांति मिलता है, क्या सुकून है यहाँ, क्या बताएं। अंदर बैठने को भी बहुत अच्छा से हम लोग अभी बैठे, अच्छा लगा और वेरी हैप्पी। आप भी आइए गोवा में, और तामड़ी सुरला ज़रूर आइए, यहाँ पे देखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा, है ना। क्या है, कैसा लगा आप बताइए यहाँ पे घूम के हमारे दोस्तों के। मन प्रसन्न हुआ यहाँ पर घूम के, बहुत अच्छा लगा। कितना साल पुराना मंदिर है देखिए, बहुत साल पुराना, हरा भरा सब परिसर है यहाँ पर। अब कितना अच्छा शांति है, बहुत शांति है। आज संडे की वजह से कुछ कम आए ना, आज संडे की वजह से जो जो जॉब पे रहते हैं वो रिलैक्स करते हैं, जो टूरिस्ट लोग आते हैं वही आते हैं। और मंडे से ज्यादा भीड़ लगेगा, मंडे से दिखेगा भीड़, मंडे से ज्यादा भीड़ लगेगा। कल सोमवार है, महादेव का दिन है, कल महादेव का दिन है, कल तांडव होगा। ठीक है दोस्तों, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, झरना पे जाएंगे स्नान करने, वहां पे मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, बाय, गुड बाय।